हे गाइस, वेलकम बैक टू जजमेंटल मॉम। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी के पराठों की रेसिपी। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और ड्राई होने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। फिर मैं आटा लगा लूँगी। आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो पराठों के लिए। उसके बाद हमने 15-20 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। फिर हम गोभी ग्रेट कर लेंगे। और देखिए, इस तरह गोभी ग्रेट हो गई है हमारी एकदम बारीक। उसके बाद हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। उसमें है हरी मिर्च, अदरक, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। उसके बाद गोभी के पराठों के मसाले में हम अजवाइन ज़रूर डालेंगे, क्योंकि पराठों में अजवाइन का होना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं इसको पूरी तरह मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली। सबसे लास्ट में मैं नमक इसलिए डाल लूँगी क्योंकि गोभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया मॉइस्चर छोड़ती है। उसके बाद मेरा लगभग आटा सेट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको बेलने के लिए। गोभी के पराठे में मैंने आपको पहले ही बताया कि गोभी ऑलरेडी मॉइस्चर छोड़ती है, तो हम बेलते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हम बेलते टाइम इसमें कम बेलन चलाएं, हम साइड साइड से बेलन चलाएं ताकि गोभी ज़्यादा प्रेस ना हो उसमें और व्यवस्थित उसको हम बेल लें, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपरली उसको तवे पे डाल के सेक लें और तेल लगाकर ऐसा पलटा यूज़ करें जो आप देखते होंगे मेरे वीडियो में। जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ उसको हम कहते हैं पलटा। तो ये हम पराठों में स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छे से हम प्रेस करके इसको बनाते हैं ताकि ये हर जगह से पूरी तरह इक्वली सिक जाए कच्चा। तो चलिए दोस्तों, ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है गोभी के पराठे की, आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपके यहाँ कैसी बनी। हाँ, मैंने कोरिएंडर लीव्स इसमें मिस कर दिया है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर। तो आप प्लीज़ उसमें धनिया पत्ती डालिए और ज़रूर से ज़रूर अपने घर में बनाइए और ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजीएस्ट वे है ये गोभी के पराठे बनाने का और मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर ये टेस्टी लगेगी। तो गाइस, मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।